थैंक यू। ये लो। चाबी क्यों लाई हो? स्टार्ट नहीं करोगे? स्टार्ट कहाँ होगी? चलो रसम तो पूरी कर लो। स्टार्ट हो गई नीलम, स्टार्ट हो गई। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वकार भाई। शेख इसलिए? मैं दूसरी दफा तुम्हारे घर आया हूँ, दोनों दफा फूल लाया। चलो इसमें टाई। सुना तुम टाई बहुत शौक से पहनते? आप नहीं पहनते। सॉरी मुझे तो बांधनी नहीं आती। अंदर चले। ऑफ कोर्स। क्या बाहर खड़ा रखोगे? अब बकार भाई एक मिनट ये पकड़े। चल तुम लोगों ने भी सोचा कि मैंने सब कुछ क्यों किया? 4 साल पहले मुझे गैंग की चीफशिप से हटा दिया था। अब 4 साल बाद वापस आया हूं तो तुम लोगों के दिलों पे पंजे गाड़ चुकी है यार वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मोहब्बत करने लगोगे तुम लोग। दादू को देखा? इस तरह तुम्हारे ऊपर तो सत्कवारी नहीं होती। वो जेलस नहीं होते तुम लोग? आगे बोलो। मैं तो जेलस हो गया भाई। सोचा आके सुकूमत को डिरेल कैसे किया जाए। समझे कि वक्त पे वार करने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर कब लगा कि ठीक वक्त आ गया? एक रोज मुझे पता चला कि उसने गुलरेज से शादी करने के लिए सोचने का वक्त मांगा। मेरी बायां आंख फड़की। मैंने कहा वकार अहमद, जंग जीतने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दिल कह रहा था कि अगर मैं माइन से शादी का ऐलान कर दूं ना तो गुलरेज से शादी के लिए फौरन राजी हो जाएगी। अब वो गैंग के चीफ नहीं रही? नहीं रहेगी ना यार। शादीशुदा आदमी सिर्फ गैंग का मेंबर हो सकता है, चीफ नहीं बन सकता। इसका मतलब इसीलिए वो जल्दी शादी करने पे राजी हो। और नहीं तो क्या? सचमुच मेरा नाम लेके कहा उसने? खुदा की कसम यार, अपने कानों से सुनकर आया और उसके बाद जो दादों के साथ मैंने किया, यकीन करो उनकी छाती पे अभी तक सांप लौट रहे होंगे। बस देखते जाओ, हफ्ता 10 दिन में अगर उसे तुम्हारी दुल्हन नहीं बनाया ना तो उन्हें चैन नहीं आएगा। और तुम किससे शादी करोगे? मैं पहले तो गैंग का चीफ बनूंगा, उसके बाद जब कुर्सी यहां से जाती देखूंगा ना तो फॉरन फ्लाइट पकड़ूंगा और लंदन पहुंच जाऊंगा। अरे नीलमा, एक से एक गोरी पड़ी है यार। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे गोरे चिट्टे हो। पाकिस्तान में वैसे ही ब्राउन बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। अरे वली भाई, तुम कब आए? तो जाने वाला मौली भाई। ऐसे नहीं हजरत, मेरे साथ बैठ के चाय पियोगे तो जाओ। चाय रहने दीजिए, लेकिन आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। आपका हुक्म वैसे भी टाला कहां जा सकता। सुना है कि तुमने अम्मी बेगम से जंग छेड़ दी? अरे ऐसी वैसी जंग? अब देखिएगा, अभी जाऊंगा ना तो सामान निकाल के दरवाजे पे रखवाया होगा। ये भी हो सकता है कि वकील को बुला के बाकनामा लिखवा रही। चाय तो पीनी है तुमने? नहीं वली भाई,
चाय पीऊंगा ना तो नींद उड़ जाएगी, और आज मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। सोने के लिए कोई जगह ढूंढ ली है ना? ये क्या सवाल? अरे भाई, अम्मी बेगम ने तो अब तक सारा सामान दरवाजे पर रख दिया होगा, अब तू ही अपनी मर्जी से घर में घुसने से रहा। खैर ऐसी भी बात नहीं है ओली भाई, मशहूर अहमद का इकलौता बेटा, थोड़ा बहुत तो रहम आ ही जाएगा उनको मेरे। बड़े बेरहम हो तुम। क्यों, मैंने क्या किया? सुना है कि तुमने अम्मी बेगम को 75 साल की बुढ़िया कहा है। ऐसी वैसी तड़पी होंगी वो, पता है क्यों? इसलिए कि उनको 75 साल का होने में अभी भी 2-3 महीने बाकी। थप्पड़ खा के आए हो ना? और नहीं तो क्या, थप्पड़ नहीं था, चमाट थी चमाट। हंसने वाली सारी रगें हिल गई। फिर भी लगातार हंस रहे हो। हंसू नहीं तो और क्या करूं, थप्पड़ में जरा दम नहीं था। वो तो नजर आ रहा है, थप्पड़ 5 उंगलियों से मार, यहां निशान सिर्फ 2 का है। अरे वली भाई, जिस थप्पड़ का निशान आप देख रहे हैं ना, वो दादो ने नहीं मारा। किसने मारा? उसकी माई ने। चलो, मैं बाहर छोड़कर आता हूं। आइए। क्या हो गया गुलरेज, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अरे इतनी अच्छी खबर लेके आए हो आप, इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। दिल चाह रहा है कि आपके लिए भी कुछ करूं। तो मेरे लिए क्या करूं? आपको टाई बांधना सिखाऊंगा। चलता। जानती हो वो क्यों आया था? बताने आया था कि माहीन गुलरे से शादी करने पर राजी हो गई। नहीं, वो ये बताने आया था कि वो माहीन गुलरेज को देने पर राजी हो गया है। पता तो करो दस्तूर अहमद, कहां गया है वो? गुलरेज की तरफ, अभी अभी निकला है वहां से। अभी निकला है तो फिर सीधा घर ही आएगा ना? अम्मी बेगम को फोन मिला कर दो। किसको मिलाएगी फोन? वकार अहमद को, खुद ही पूछ लीजिए कहाँ है। तुम पूछो ना। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती अम्मी बेगम। तो मेरी कहाँ हिम्मत पड़ती है? मुआ एक ही झटके में 2 कौड़ी का कर गया मुझे। हेलो रोमियो, खाना लगा दिया है मैंने, आप जल्दी खाओ। सुनो, मेरी तरफ देखो। तो तुम सब जानती हो? क्या जानती हो? वो फेंक दे गया ना मुझे।
नहीं, वो तुम्हारी अमानत दे गया है तुम्हें। ये भी हो सकता है कि उसे सचमुच उससे मोहब्बत ना हो। एक बात कहूं नीरा, मोहब्बत के नाम पर कोई इतना बड़ा ढोंग नहीं करता। माहिन पागल नहीं है, अगर वो अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम ले रही है तो समझ अपने दिल की बात कर रही है। और दिल की बात जुबान तक लाने के लिए लड़की 100 बार अपने आप से पूछ चुकी होती है। जब वो गुलरेज का नाम ले रही है तो उसका मतलब है गुलरेज, और गुलरेज तुम्हारा नाम। अब इससे आगे मत सोच प्लीज, जल्दी नीचे आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ जल्दी। फोन बन जा रहा है। यही अच्छा है। तुम्हें पता है आज कितनी देर सोई हूं? 8 घंटे, और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। इस घर के लोग तुमसे डरने लगे। क्यों? सुना है तुम कभी भी किसी को थप्पड़ मार देती हो। मामा कहाँ हैं? सो गए हैं। तुम क्यों गेम खेल रही हो? क्योंकि यहाँ सब गेम खेल रहे। क्या बकवास करी फजर? थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा कि मैं एक दूरंदेश लड़की, बकवास नहीं करती हूँ। खाने में क्या बना है? काफी चीजें। मसलन? मसलन अरमानों का सूप, साजिश पुलाव और दिलों का बारबेक्यू। तुमने क्या खाया? बस एक सादा सा बर्गर। तुम्हारे अंदर एक हैरत अंगेज तब्दीली देखी है मैं। बताओ। तुम दूसरों से लड़कर जीत जाते तो? अपने आप से लड़ती हो तो हमेशा हारना पड़ता है। तो फिर तुम्हें पता नहीं है बेवकूफ लड़की, मैंने वो लड़ाई भी जीत ली है। तुम्हें भी पता नहीं है अकलमंद माहिन, इस बार मुंह की खाई है तुम। शिकस्त फाश हुई है तुम्हें। 2-4 दिनों में तुम्हारी मंगनी की तारीख निकलने वाली है। सुना है वो यहां से सीधा कुलरेस के पास गया था। का जिक्र नहीं सुनना चाहती। तो उसे मंगनी में इनवाइट नहीं करोगी तुम? कोई उससे तो पूछे, आएगा? मुझसे पूछो, मैं बता, वो कमीना आएगा, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं आएगा। Thank you.
अब रास्ता भी रोकेंगे मेरा। रास्ता कहाँ रोक रही हूँ वकार अहमद, मैं तो समझ तेरे रास्ते में बिछ गई हूँ बेटा। अब सियासत बिल्कुल नहीं चलेगी। सियासत, सियासत की ऐसी की तैसी। वो तो मोहब्बत के सामने फीकी बिल्ली बन गई। क्या बात है उसमें, हुक्मरानों के सर से ताज उछल क्यों रहा? सहारा दिन जिन्हें सहारे की जरूरत पड़ जाए वो कैसे होगा? जिन्हें तुम जैसों पर हुक्म चलाना पड़े उनकी कैसे हुक्मरानी? अपने कमरे में ले चल, कुछ देर बैठूंगी तेरे पास, तेरा गाल सहला दूंगी। बड़े जोर की लगी होगी ना? रहने दीजिए दादा। अभी हाथों में इतना दम कहाँ? दादो ना कह, वही बोल, 75 साल की बुढ़िया। कल से मैं 2 घंटे धूप में बैठूंगी वकार अहमद, सफेद बालों की लाज रखना जरूरी हो गया। मैं भी कैसी कम नजर हूं, तेरा कद नाप सकी ना उसका। फुकम्बख्त मेरे सामने नाक पहुंचती जवान हुई और मुझसे बड़ी हो गई, और तुम चुटकियों में मशहूर अहमद को भी मात दे गए। तुमने तो सारी बिसात उलट कर रख दी। बहुत प्यार करते हो ना उस बदतमीज लड़की से? हाँ, उस बदतमीज लड़की से। दादो, कोई गुलरेज़ी मोहब्बत कर सकता है उससे? गुलरेज़ अगर मोहब्बत करने वालों का नाम होता है तो तुम भी अपना नाम गुलरेज़ रख लो। अब अगर मैं कहूंगा कि आप सठिया गई हैं तो बुरा लगेगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। जानती हूं वकार अहमद, अगर कोई कुर्बानी देने पर तुल जाए तो हर तरह से कायल करता है कि बस वही है जिसकी कुर्बानी जायज होगी। अब कैसे समझाऊं आपको दादो कि वो सब कुछ एक गेम प्लान था, मतलब साजिश थी। गुस्से और जिद में हो जाती हैं ऐसी बातें, पर वो सब भी एक ड्रामा था कि मैंने सबके बीच में आके कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता। और अगर वो मान जाती तो? फिर आप देखते ना, कुछ नहीं चबा देता मैं उसको। इतनी नफरत करते हो उससे, या फिर नफरत तुमने दिखाने के लिए रख ली है? आप भी ना दादो।
अच्छा बेटा, तेरी मर्जी, तेरी साजिश खत्म होगी तो बात होगी तुझसे। मैं छोड़ा हूं। ऐसी भी रही गुजरी नहीं हूं कि चलने फिरने को तुम्हारी जरूरत पड़े। अपने आप को संभालो, दिल में जो छुपा रखा है तुम्हारी आंखों में देखो तो नजर आता है। जिंदगी में कभी धूप में नहीं बैठी वकार अहमद, धूप से एलर्जी थी मुझे। चलो वैसे एक बात का अफसोस है मुझे, जानती हूँ तुम ये नहीं कहना चाहती थी कि गुलरेज से शादी करोगी। नहीं, मुझे उसको थप्पड़ मारने का अफसोस है, लेकिन उसे थप्पड़ खाने का अफसोस तो नहीं हुआ। होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन थप्पड़ खाने से जूता खाने की तकलीफ ज्यादा होती है। जूता किसने मारा उसे? तुमने, उसके मुंह पर जूता मारा है तुमने। पर ही इज अ गुड एक्टर, उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। तुम्हें नहीं लगता कि अब वो वापस चला जाएगा अपनी गोरियों के पास? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए। ये भी हो सकता है कि वो गुस्से में आके जिया से शादी कर ले। तो कर ले, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जूती को परवाह है उसकी। क्यों झूठ बोलती हूँ? उस दिन मैच वाले दिन बस यही तो हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर घंटी बजी, वो बाहर चला गया और लौट कर नहीं आया। बाद में पता चला कि जिया साथ ले गई है उसे, और तुम इंतजार करती रही। आधा घंटा गुजर गया, उसे आने में देर तो हो गई मगर वो आ गया। लेकिन जब तक वो पहुंचा तुम्हारी आंखें माथे पर चढ़ चुकी थी और तुमने अच्छे खासे मैच को मिस मैच कर दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अपने दिल के मतलब दूसरों से पूछती हो। अपनी हालत देखी है तुमने? तुम्हें गुस्सा नहीं पछतावा है। गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है, जैसे तुम चीजें उठा के तोड़ने लगती हो, और पछतावे में इंसान को समझ नहीं आता कि कोई क्या करे। तुम्हारा दिल तो चाहता है कि तुम उससे माफी मांगो, लेकिन तुम्हारी अना तुम्हें ये समझा रही है कि माफी मांगने से पछताना बेहतर है। एक बात बताऊं, ये 5 फुट 5 इंच की माहीन के लिए एक चुटकी अना ही काफी। याद रखना, एक ही वक्त में तुम्हारे हाथों दो दो जख्म खाए हैं उसने, एक अपने मुंह पर और दूसरा अपने दिल पर। और ये उसके दिल का जख्म जिसकी तकलीफ तुम्हारे अंदर उठ रही है। मेरे अंदर क्यों उठेगी? मुझसे कोई कमिटमेंट है उसकी? आज तो बुधवार है अम्मी बेगम, छुट्टी कैसे हो सकती है? मैं जो कहूं कि आज बुधवार नहीं इतवार है तो इनकार करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर समझो कि आज इतवार है। बेहतर। कोट क्यों उतार दिया?
आज दफ्तर नहीं जाऊंगा। क्यों? सुना नहीं, आज इतवार है, आपने बुलवाया था मुझे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। तुम ऐसा करो, कपड़े बदल कर लॉन में आ जाओ। किस लिए? क्रिकेट खेलेंगे। और तुम भी। लेकिन मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती अम्मी बेगम। तो किसने कहा है खेलो, वो तो हमें एक अदद एम्पायर की जरूरत है। मुंशी आलम किसी काम से बाहर निकल गया है। और ये तो आपने पूछा ही नहीं कि मैच किन दो टीमों के बीच में होगा। बताऊं? हाँ बोलो। माहीन लूजर्स और वकार विनर्स के दरमियान। ये नाम किसने रखे? मैंने और फजर ने। माहीन लूजर्स में माहीन खेलेगी क्या? बिल्कुल खेलेगी। ये कैसे हो सकता है? इतवार को इतवार हो सकता है, दादो की हुकूमत में हो सकता है। दिन बदल सकते हैं, तारीखें बदल सकती हैं, दिल बदल सकते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी हूं से याद आया, रात को घर में खाना है, इसलिए मैच खेलने के बाद इधर उधर खिसक मत जाना। खाना किस लिए? माहीन और गुलरेज की मंगनी का दिन रखेंगे ना। अरे हाँ, तुम्हारी हूं से फिर याद आया, जल्दी चलो ना, बेचारा अकेला ही खेल रहा है। नहीं जानता मैरोनी साहब, अम्मी बेगम जो कर रही हैं वो सही है या गलत, लेकिन किसी भी गलत काम को करने का इतना सही तरीका नहीं हो सकता। घर छोड़कर गई नहीं? आपके डैडी ने मना कर दिया, वो कहते हैं आप कुछ भी कहो मैं आपको छोड़कर ना जाऊं। और ये भी कल से यहीं पड़े? जी, कहते हैं जब तक मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनेगी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। नाश्ता दो इन्हें और इनसे कहो नाश्ते के बाद मैं कहानी सुनूंगी। फजर बैठ जाओ, मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो आएगी, नानू ने कहा है उसे, उनका हुक्म नहीं टाल सकते। हुक्म तो खैर बहाना है, दिल ही दिल में वो भी क्रिकेट खेलना चाहती है। उस दिन तो कह रही थी कि नानू का घर काट खाने को दौड़ते, और ये भी क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगी। क्रिकेट का मतलब समझती है? इस खेल में बार बार फैसले बदलने पड़ते, आप समझो कि वो फैसला बदल रही है। क्रिकेट के बारे में बात कर रही हो ना? जी नहीं, मैं फैसला बदलने की बात कर रही हूँ। क्रिकेट में ऐसा ही होता है, जिस बॉल पर छक्का पड़ सकता है उसी बॉल पर आरिया आउट हो जाता है। बॉल टू बॉल सिचुएशन बदलती है, कई दफा हाथ में आई भी बाजी भी पलट जाती है। इसलिए कहते हैं इस खेल में जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जाए कोई ये ना समझे कि वो जीत गया। लीजिए, आ रही है वो।
कौन सा फैसला बदल दिया उसने? मतलब क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लिए। चलिए चलो 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 यस चलो चलो आ जाओ। मैंने दफ्तर से दूसरी बार छुट्टी कर ली है। तो जिससे प्यार करते उसके लिए छुट्टी करनी पड़ती है। तो वली तुमसे प्यार नहीं करता? मेरी उससे शादी हो चुकी है, वो शादी के बाद छुट्टी करने से डर लगता है। अब चलो या तकरार करते रहोगे? तुम जानती हो ना मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं, और वहां सब जीतने के लिए खेलते हैं। और बिना खेले हार नहीं जाया करो। चलो। अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल क्रिकेटर लग रहा हूँ। आ जाओ चलो, मजा आएगा बहुत, हराना है सबको। जो भी झूठी सच्ची कहानी सुनानी है सुना दीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, आज मैं आपकी हर बात सुनूंगी। तुम क्या समझती हो मैं जो तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूं? तू क्या कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं? सच तो यह है कि अब भी मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी मां की कब्र खोद डालूं। उसका हिसाब मेरी गिरफ्त से बाहर निकल चुका है, लेकिन मैं अपनी बेटी के सामने मुजरिम बन के खड़ा नहीं हो सकता। कहानी शुरू कीजिए। क्या है इसमें? ये वो खतूत है जो तुम्हारी मां ने अपने महबूब के नाम लिखे थे। कहानी शुरू करने से पहले इनको पढ़ना जरूरी है। वकार अहमद, फजर औरंगजेब, मेरनसा दस्तूर और अली दस्तूर। अब मैं आपको माहीन लूजर्स की टीम के खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। मेरी टीम का नाम किसने रखा? जूरी का फैसला है, जब तक तुम नहीं जीतोगी तुम्हारी टीम का नाम माहीन लूजर्स रहेगा। देखा जाएगा, खिलाड़ियों के नाम बोलो। गुलरेस मेरी टीम में होगा, उसके लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, गुलरेस तुम्हारी टीम में ही होगा। नाम बोलो। माहीन औरंगजेब, गुलरेज अख्तर, नीलम वली अहमद और कनीज मारूफ अहमद। मुखालिफ टीम को अंग्रेजी साम्राज्य समझकर खेलना। लेकिन जिस जोर से वो मेरा नाम पुकार रहा है इतना जोरदार क्रिकेटर मैं हूं नहीं। टॉस करो, मेरी तरफ से टॉस गुलरेज करें। हमारी तरफ से मैं जाऊं? नहीं, हमारी तरफ से मैं ही जाऊंगा। रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं।